जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में रहने वाले अनिल पाबा आर्कियोलॉजी की दुनिया में एक अनोखे और प्रेरक शख्स हैं। ये जम्मू कश्मीर के एकमात्र फ्रीलांस आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने पिछले कई साल अपने क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित किए हैं। आर्कियोलॉजी को लेकर पाबा का जुनून कम उम्र में ही शुरू हो गया था। मेरा जो स्टडी है वो आर्कियोलॉजी बेस पर है और हेरिटेज बेस पर है, तो मैं ज़्यादातर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट का भी काम कर चुका हूँ बड़ी देर से। तो ज़्यादा मैं जो आर्टिकल लिखता था वो हेरिटेज पर लिखता था, या पुराने टेंपल होंगे आर्कियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, या पुराने फोर्ट हो गए, या पुराने बोलियंस हो गई, या वाटर बॉडीज की कोई भी ले लो, तालाब हो गए पुराने, तो जहाँ पुरानी कोई साइट होती तो मैं ज़्यादा इन्हीं को कवर करता था। तो लेकिन मेरे साथ एक बार हरिदास स्वामी जी, उनका स्वर्गवास हो गया, तो वो नागा कल्ट पर काम कर रहे थे, तो वो मेरे साथ जुड़ गए। तो उनके साथ मैंने बड़ी यात्राएँ की, तो मैं उनको देखा कि जो वो उनके काम करने का तरीका था, वो खोज करते थे, वो लिखते नहीं थे, लिखते बाद में थे, पहले खोज करके देखते क्या है। तो उससे प्रभावित होकर मैंने भी अपना थोड़ा बदला, तो मैंने भी जो लिखने के साथ साथ जो बड़े बड़े खंडरों में गया, तो मैंने ढूंढा कि उधर है क्या। तो धीरे धीरे मैं आर्कियोलॉजी साइट्स पर गया, बड़े बड़े यात्राएं की मैंने, नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय की यात्राएं की, शिवालिक पूरा बेल्ट कवर किया।